टीवी टुडे। लुलु मॉल में शुक्रवार शाम को सुंदरकांड पढ़ने पहुंचे लोगों को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुंदरकांड पढ़ने पहुंचे तीन लोग हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुंदरकांड करने की चेतावनी को देखते हुए मॉल में सुबह से ही काफ़ी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। ADCP दक्षिणी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हिंदू समाज पार्टी के लोग ने नमाज अदा करने को लेकर उठे विवाद के बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कही थी। इस वजह से ही पुलिस बल लुलु मॉल पर पहले से ही बढ़ा दिया गया था। शुक्रवार सुबह हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां ना जाने की बात को मान गए थे, पर शाम को ये लोग फिर वहां जाने की बात करने लगे थे। इस पर ही तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इनमें भदोही के योगी सरोज आजार, इटावा का गौरव गोस्वामी और जौनपुर का कृष्ण कुमार पाठक शामिल हैं, ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूं और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन सबको रोके, शासन सबको रोके, प्रशासन सबको रोके। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। क्या बताऊँ, आप यहाँ कह रहे प्रशासन लगी है, कोई लोग डरपोक नहीं है। एक मिनट, हम बता रहे हैं यहाँ पे हर व्यक्ति हर आप क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, अगर सार्वजनिक चीज है तो यहाँ सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सब अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत ढंग से आता है तो उसके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन रोक रही है तो पुलिस प्रशासन का सम्मान है। आज कानून व्यवस्था नहीं खराब होगी, आप यहाँ करें नहीं होना चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था खराब बाहर। ठीक है, मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूँ और उसके बाद पढ़ने में आया था। यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो मैं हनुमान चालीसा करूंगा। नहीं, मैं तो शॉपिंग करके जाने के लिए आया था। नहीं, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं भगवा पह रहा हूँ? इसलिए बदतमीजी हो रहा है मेरे साथ। क्या करना चाहते हैं? हाँ, जो प्रथम दृष्टया पता चला है जो कोई हिंदू समाज पार्टी के दो तीन लोग थे और उनकी मंशा जो थी वो युद्ध के प्रतिकूल थी और इसलिए उनको क्या कहते हैं लाइन ऑर्डर के मद्देनजर उनको चक्री लिया गया है। ठीक, तो होगा क्यों नहीं होगा? अगर नवाज होगा तो ये थी लखनऊ से मोहम्मद शाहिद खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। शासन सबको रोके, प्रशासन सबको रोके, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ।